अच्छा, हम यूपी की बात कर रहे हैं। मैंने तो अभी अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने ये कहा कि जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं इसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, 80 के 80 सीटों पर हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। उनको लगता है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद और एकजुट होगा इंडिया गठबंधन। चलब जी, सौरभ भाई, मुझे लगता है कि आप सिर्फ चुनावी परिणाम के पहले के टोन सुन लीजिए, सभी के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और बाकी इनके लोगों के, एक दूसरे को न जाने क्या क्या बोलते रहे, क्या क्या टिप्पणी कमलनाथ जी ने की, क्या क्या अखिलेश जी की पार्टी ने कमलनाथ जी के खिलाफ की, क्या टोन था, एक दूसरे को गालियां देते रहे। अच्छा, चुनाव परिणाम ऐसा आया कि आप कह रहे हैं कि बहन जी आप भी चले आओ। ये जो डर है ना अपना अपना परिवार बचाने का, अपनी अपनी राजनीति बचाने का, अपना अपना वंशवाद और परिवार बचाने का, ये परिवारवाद बचाने का, ये देश की जनता इस बात को समझती है और हमें लगता है कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। और 2024 में आप देखिएगा प्रचंड बहुमत के साथ, पिछली बार से बड़ी जीत के साथ हमारा, क्यों? क्योंकि सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि 15 लाख रुपए नहीं दिया। सुरेंद्र भाई, आपको ये बात समझ में आती है? देवरिया में जगह बाकी, हम गए वहां पे, लोगों ने यही बात कही, एक व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के थे, बोले 15 लाख, तो बाकी के व्यक्ति ने कहा कि अरे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर में बरामद हुआ था 350 करोड़ रुपए, उसमें न जाने कितने लाख कितने लोगों के 15 लाख रुपए हैं। तो ठीक है, आप 15 लाख की चिंता मत करो, ये लोगों के घर से बरामद हो रहे हैं और तमाम जन कल्याण के कामों में लग रहे हैं। ये 15 लाख भी जनता तक पहुंच रहे हैं, जो लूटे गए थे वो मोदी जी निकाल रहे हैं ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, तमाम सारी जो चीजें हैं, तो तमाम लोगों का भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है और लोगों के हित में काम हो रहा है। हमारे साथ सुभाषपा अरुण राजभर जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका भी। मैं लेकिन नाहिद जी के पास जाना चाहता हूं। 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए यूपी में आपको उन्हें रोकना पड़ेगा, तो यूपी में कैसे घेरेंगे नरेंद्र मोदी को? नाहिद जी, सौरभ जी, मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे ये 16,000 करोड़ के हवाई जहाज पे चलने वाले ये लोग, ये यही बात में प्रश्न होते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने ये कहा तो कांग्रेस ने यही कहा, ये इसी बात में प्रश्न होते रहेंगे और धीमे धीमे जो इनकी धरती जैसे खिसकती चली जा रही, पूर्णता खिसक गई है और 2024 में जो है इनकी पूर्णता सफाया हो जाएगा बीजेपी का। 80 के 80 ये अभी विधानसभा के नतीजे आए उसके बाद भी आपको लगता है कि इनके पैरों के नीचे से धरती खिसक रही है? मैं आपको बता रही हूँ कैसे, आप ये समझे कि जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का आह्वान किया, तब से जो है बीजेपी थर्राई हुई और घबराई हुई है, और उत्तर प्रदेश में तो पीडीए ही मिलकर जो है बीजेपी को भगाएगा उत्तर प्रदेश से। अब आप पूछ रहे कि हम कैसे ये कह रहे, अरे आप ये बताइए कि अभी 2022 का जो चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की उससे पहले 46 सीटें थी, हम बढ़कर 125 हो गए, 80 हमने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ले, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, इनकी सीटें घटी, ऐसी अनेकों सीटें हैं जहां पर 50 से लेकर 1500 के रेशियो में हम हारे हैं। और उसके बाद जो अभी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता और अनेकों चैनल खुद कहते रहे कि जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है वो लिटमस टेस्ट है लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का, और करारी हार हुई बीजेपी की, लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी मैनपुरी में हारी। वहीं आप देखिए खतौली हारी बीजेपी बुरी तरह से, घोसी अभी जो लास्ट उपचुनाव हुआ घोसी वहां पर बुरी तरह से हारी, घोसी में तो 2 लोगों को ठेका दे दिया था बीजेपी ने कि जाओ वहां पर जाकर बीजेपी को जिताओ, नतीजा क्या हुआ, जनता आक्रोशित थी बीजेपी से और जिन लोगों को इन्होंने ठेका दिया था जिताने का, बुरी हार हुई बीजेपी की। अरे आप ये देखिए अभी जलंधर भी लोकसभा उपचुनाव हुआ, बीजेपी 4th पोजीशन पे थी, मतलब बीएसपी से भी पीछे, और जिनको ये कांग्रेस मुक्त कहते रहते हैं तो ये कांग्रेस से भी पीछे थी। आप बात कर रहे हैं अपने चैनल पर कि काशी दौरे से खुलेगा दक्षिण का द्वार, अरे दिल्ली तो इसे संभल नहीं रहा, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो बुरी तरह से ध्वस्त है, अब इसको पुनः कहने की तो जरूरत है नहीं कि जब संसद नहीं सुरक्षित है, वहां पर लोग घुस रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं और खुद बीजेपी के एमपी इसमें इन्वॉल्व है, मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी के एमपी खुद इस साजिश में इन्वॉल्व है, तो आप समझ लीजिए बीजेपी दिल्ली नहीं संभल रहा है और दिल्ली एमसीडी नहीं संभल पाई, अटल जी के टाइम से आज तक दिल्ली में ये काबिज थे लेकिन वो एमसीडी भी इनके हाथ से खिसक गया, जब दिल्ली नहीं संभल रहा तो ये कहां से। आपने यूपी के चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, उसके बाद एमसीडी का चुनाव सब आपने गिना दिया नाहिद जी, जरा एक सेकंड, आपने कहा उपचुनाव से पता लगता है कि जनता का मन क्या है, ये जो अभी चुनाव के नतीजे आए उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनके नीचे से धरती खिसक रही है, फिर भी ठीक है, शलभ जी जवाब दीजिए, आपने कहा कि घुसी की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई थी, बोलना चाहेंगे अरुण जी भी उस पर? सौरभ जी, देखिए आपने बहुत टाइम दिया शलभ जी को बोलने के लिए, मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड और। अच्छा चलिए 10 सेकंड बोलिए आप, अच्छा कंप्लीट कर ले, मुझे लगा हो गया होगा आपका, अभी बोलिए। नहीं नहीं आपने
बीच में इंटरप्ट कर दिया ना, अरे ये कहां तमिल की बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु यहां से काशी से साधेंगे तो तेलंगाना साधेंगे तेलंगाना में, तो ये स्थिति थी बीजेपी की कि ये ना कांग्रेस से लड़ाई में थे ना कि सीआरडी से, इनकी लड़ाई तो एआईएमआईएम से थी, वहां पर दो डिजिट नहीं पहुंच पाए। और मिजोरम में क्या स्थिति हुई कि मिजोरम में पुलिस वाले रहे चाहे रिटायर्ड चाहे इस्तीफा, वो उन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी खड़ी कर ली और अपनी पार्टी उनकी पार्टी जीत गई। अच्छा ठीक है,